अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पैगेटी, और स्पैगेटी बहुत ईजी है, क्विक है, आप जल्दी से देख लें। मेरे पास 250 ग्राम स्पैगेटी है, उसके साथ मैंने हाफ़ कप हरी प्याज लिए, हाफ कप मैंने शिमला मिर्च लिए, हाफ कप मैंने गोभी लिए। मैं इन सबको काट के फ्रीज कर देती हूँ पहले। और मैंने एक कप चिकन लिया है, एक प्याली, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितना आपको चिकन चाहिए। और मेरे पास टमाटर हैं, दो टमाटर जितना ये पेस्ट होगा। और मेरे पास लहसुन अदरक है, एक एक चम्मच लहसुन अदरक ले लेंगे हम। और हरी मिर्चें तीन मैंने काट ली हैं मोटे मोटे साइज़ में, एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच काली मिर्चें, एक ही चम्मच मैंने लाल मिर्चें लिया, और नमक हसबे ज़ायका ले लें आप। अब चलते हैं सॉस की तरफ। सॉस बनाने के लिए मैं स्पैगेटी में सॉस डालती हूँ लास्ट में। मैंने इसमें चिली सॉस लिया है, मायनीज़ ली है दो दो चम्मच दोनों, और दो चम्मच दही लिया है। और मैं इसके साथ डालूँगी सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सिरका। अब सबसे पहले हम सॉस, मैंने इसमें चिली सॉस डाला है दो चम्मच, उसके बाद मैंने दो चम्मच इसमें सोया सॉस डाला है। अब मैं एक चम्मच इसमें सिरका डालूँगी, टेबल स्पून जो है आपके वो, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सिरका डालने के बाद ये मैं स्पैगेटी पे लास्ट में डालूंगी, अभी इसका कोई काम नहीं है, पर मैं इसको पहले बना के साइड पर रख रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा दही ताकि मिक्स हो जाए। पैन में मैंने प्याज लिए हैं, बारीक कटे हुए हैं, चॉप किए हुए। उसमें मैंने एक हाफ़ प्याली ऑयल डाला है। हाफ़ प्याली ऑयल डालने के बाद आप इसको फ्राई कर लें। एक तरफ मैंने पैन में पानी गर्म करने रखा है, एक मेरे पास खुला बड़ा पतीला है उसके अंदर मैंने पानी गर्म करने रखा है, उसके अंदर मैंने चार चम्मच इतना ऑयल डाल दिया है। उसके बाद मैंने उसमें नमक डाला है। अब ये यहाँ पर गर्म होता रहेगा तब तक हम यहाँ स्पैगेटी बना लेंगे। प्याज के फौरन बाद हल्का सा, जब प्याज ने कलर चेंज किया उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। लहसुन अदरक के बाद अब उसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक का कलर चेंज हो जाए। लहसुन अदरक के बाद इसमें फ़ौरन चिकन डालूँगी। चिकन डाल लें आप इसमें, चिकन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मैंने एक प्याली लिया है। चिकन को भूनेंगे हम ताकि उसका कलर चेंज हो जाएगा, ताकि चिकन कच्चा नहीं लगे और ये इसका कलर चेंज हो जाए पूरा अच्छे से। अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी, आप भी पेस्ट डालें तो बहुत अच्छा रहेगा, दो टमाटर जितना। फिर मैंने इसमें सूखा धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और तीन जो मैंने मिर्ची काटी हुई थी वो डाल दी। अब उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। टमाटर पेस्ट जो मैंने डाला था उसका बहुत अच्छा सा इसमें रेड सा कलर आया है, आप भी टमाटर पेस्ट ही यूज़ करिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा कलर आता है इसमें। अब मैंने इसके बाद सारी वेजिटेबल्स जो सब्ज़ियाँ मेरी कटी हुई थी वो मैंने डाल ली। मैं सब्ज़ियों को फ्रीज़ कर लेती हूँ काट के अलग अलग शॉप पैकेट्स बना के, ताकि मुझे बाद में ताकि परेशानी ना हो। अच्छा, अब मैं इसको भून लूँगी, इसके अंदर कोई ऑयल बिल्कुल ऑयल बाहर आ जाएगा, दिखने लगेगा मुझे जब, तो इसको बस ये डन है। अब इसके बाद मैंने इसमें स्पैगेटी डाल दी बॉइल करने के लिए, और स्पैगेटी को डालते के साथ आप इसमें स्पून चलाएंगे, चम्मच चला लेंगे, वरना ये आपस में जुड़ जाएगी, और ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जब डन हो गया है, मैंने इसके अंदर सॉस डाल दिया है। सॉस डाल के बस इसको दो तीन मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी सॉस को, ताकि वो दही का टेस्ट इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से, और सॉस मिक्स हो जाए। और ये फिर ऑलमोस्ट डन ही है, और अभी तक यहाँ डन है। अब मैं स्पैगेटी मैंने बॉईल साथ में देखूँगी, जो स्पैगेटी बॉईल हो गई थी उसको मैंने छन्ने में डाला, उसमें पानी घुमा दिया, क्योंकि अगर स्पैगेटी में आप पानी नहीं घुमाएंगे ठंडा, मतलब एक नल के नीचे नहीं रखेंगे ठंडे पानी में, तो ये जुड़ जाती है, ये एक ट्रिक है। अगर इसके तरह से आप पानी इसमें घुमा दें तो ये बिल्कुल अच्छे से खुली खुली स्पैगेटी बनती है। और ये फिर हमने इसको सॉस में मिक्स किया, आपकी स्पैगेटी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।